कहते हैं इंडिया में मेहमान को भगवान समझा जाता है, और वो भी अगर आप राजस्थान में चला जाए तो ऐसा लगता है जैसे हम दामाद हैं और दूसरे जो हैं वो हमारे मेहमान नवाजी कर रहे हैं। एक दामाद की तरह चौकीदानी में भी आपका स्वागत किया जाता है। मैं गई थी 2-3 दिन की छुट्टियों में चौकीदानी फैमिली के साथ, उसी का व्लॉग लेके आपके साथ आई हूँ। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करने से पहले, जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं चौकीदानी के अंदर। चौकीदानी में अंदर जाके सबसे पहले ली जाती है टिकट, 750 से 800 रुपये के बीच में रहती है टिकट, और बच्चों की जो 3.5 फुट से ऊपर हैं उनकी पूरी टिकट लगती है। और टिकट लेने के बाद आप अंदर जब जाते हैं तो अलग अलग तरह की आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। चौकीदानी को एक छोटा सा राजस्थान का पूरा गांव बना के रखा हुआ है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो काम करने वाले हैं वो सब पगड़ी पहनते हैं और कुर्ता पहनते हैं। खाना भी यहाँ का पूरा राजस्थानी है। यहाँ पे ऊँट की सवारी और ये इस तरीके से मालिश, खाना पीना सब कुछ बिल्कुल विलेज स्टाइल में ही रहता है। देखिए ये इस तरीके से बैठा के खिलाते हैं खाना। वैसे तो एक तरफ डाइनिंग टेबल टाइप जैसे टेबल और चेयर रखा हुआ था, पर हम लोगों ने जो प्रेफर किया था वो यही किया था कि हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे बैठ के। एकदम जो फील होता है विलेज वाला वही हम लोगों को लेना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना खाने लगे। जब ये लोग परोसते हैं खाना तो सबको सेठानी सा और सेठ सा करके ही बोलते हैं, जीमो सा, मतलब पूरा का पूरा राजस्थानी लैंग्वेज। और खाना इतना ज़्यादा रहता है कि आपका खाने खाते खाते पेट कितना भी भर जाए लेकिन वो परोसते ही रहते हैं, और अलग अलग तरह के बहुत सारे आइटम देते हैं वो लोग। खाना जितना वैरायटी में होता है उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा इसका स्वाद होता है। 4-5 तरह की तो चटनी होती है, मक्खन बिल्कुल प्योर वाला रहता है, चूरमा, दाल बाटी, सैलेड, पापड़, 3-4 तरह की रोटियां, और लस्सी जो छाछ देते हैं वो लोग, वो उतना भर भर के देते हैं कि आप मतलब ज़रा सा अगर आपका गिलास खाली हुआ और तुरंत के तुरंत छाछ और डाल देते हैं। गट्टे की सब्जी, कड़ी, राजस्थानी कड़ी जो होती है वो, और 3-4 तरह की और सब्जियाँ रहती हैं। यहाँ से जब हम लोग निकले तो हम लोगों ने सोचा जयपुर में ही 2 दिन बिताएंगे, तो हम लोग निकल लिए जयपुर सिटी की तरफ और अपना एक होटल ढूंढने। ऑफ सीज़न में आने का एक फ़ायदा तो ज़रूर होता है कि आपको जो रूम है वो बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। ये है रूम हमारा होटल, इसका नाम मैं भूल गई हूँ, और ये होटल हमें सूट मिला था यहाँ पे भी, और 3,500 रुपये में सूट मिला था। उस सूट में बहुत अच्छा ही रूम था, ड्राइंग रूम भी बना हुआ था और बेडरूम बना हुआ था, हर चीज़ बहुत की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी और होटल भी बहुत अच्छा था। राजस्थान की तरफ आप अगर आते हैं तो वहाँ पे जितने भी होटल आपको दिखते हैं वो सारे एकदम मतलब महल की तरह होते हैं, जैसे राजा महाराजाओं के महल होते थे उसी तरीके से। इस होटल का भी अपना रेस्टोरेंट था, बार था, नीचे एक सिटिंग एरिया बना हुआ था,
और जो रिसेप्शन एरिया था वो भी काफ़ी अच्छा था, एकदम एथनिक लग रहा था देखने में। ये है इनका सिटिंग एरिया, ये देखिए। राजस्थान की तरफ अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रूम रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। जब मैंने आपको उदयपुर का होटल दिखाया था तो वहाँ पर भी बहुत सारी पेंटिंग अलग अलग तरह की लगी हुई थी राजा महाराजाओं की, उसी तरीके से इस वाले होटल में भी अलग अलग तरह की पेंटिंग लगी हुई थी और काम जो था वो पूरा का पूरा एथनिक था। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम लोग आ गए अपने रूम में और ये है हमारा रूम टूर। देखिए ये है ड्राइंग रूम जहाँ पे बहुत काफ़ी बड़ा सा सोफ़ा रखा हुआ है सेटिंग के लिए, और ये साइड में रखा हुआ है डाइनिंग टेबल। उसके बाद में अंदर जाके है आपका बेडरूम, जो बेड है उस पर भी देखिए पीछे वॉल पे कितना अच्छा सुंदर सा आर्ट बना रखे रखा हुआ है, और साइड में नीचे पड़ा हुआ है एक काउच बैठने के लिए। वर्किंग डेस्क बना हुआ है, अलमीरा दी हुई है और बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है। बाथरूम में बाथ टब भी है और शावर भी है, दोनों ही चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई गई हैं। उसके बाद में रात को हम लोग आ गए खाना खाने के लिए होटल में ही, खाना बहुत ही अच्छा था। ये है नान और हमने पनीर और दाल मखनी ऑर्डर किया था। खाना खाने के बाद सो गए और अगले दिन हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 12-1 बजे से पहले होटल से नहीं निकलेंगे, इसलिए होटल में ही अपना पूल की तरफ आ गए और यहाँ पे खूब हमने पूल में एंजॉय किया। और देखिए यहाँ का जो हम लोगों ने कल रात को तो नहीं देख पाया था, लेकिन जब मॉर्निंग में देखा तो इतना सुंदर पूल का एरिया लग रहा था। देखिए कितना एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल महल बना हुआ है। ये देखिए ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इन्हीं होटल वालों की है। उसके बाद में शाम को हम लोग निकले कुछ फोर्ट घूमने के लिए, और 2-3 फोर्ट घूमने के बाद अगले दिन हमें वापस आना था दिल्ली, तो हम लोग चल दिए दिल्ली की ओर। तब तक के लिए राधे राधे।